प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों की वर्चुअल शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह शपथ दिलाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना संपन्न होने के बाद 5 मई को आदर्श आचार संहिता समाप्त हुई थी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्य तभी से शपथ व पहली बैठक का इंतजार कर रहे हैं। शासन के पंचायती राज विभाग ने पिछले दिनों 12 से 14 मई के बीच शपथ व 15 मई को पहली बैठक का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे कोविड संक्रमण के मद्देनजर रोक दिया गया था। अब विभाग द्वारा नए सिरे से शपथ का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण वर्चुअल रूप से होने की संभावना है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, जो ग्राम पंचायत के संगठन के लिए फाइल हम लोग अभी बना रहे हैं, स्वास्थ्य के निर्देश पे फाइल बनने का कार्य प्रारंभ किया है। ये सारा डेटा कलेक्शन किया जा रहा है कि किस जगह पे ग्राम पंचायत का संगठन होगा, कहाँ पर ग्राम पंचायत का संगठन नहीं होगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कम से कम 2/3 ग्राम पंचायत सदस्यों का जहाँ पर चुनाव हुआ है वहीं पर ग्राम पंचायत का संगठन होगा। तो ये ऐसे सारा डेटा कहाँ कहाँ हुआ है, अगर जीता है तो कौन जीता है, कहाँ पर नहीं जीता है, ये सारा डेटा जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं शासन से, सॉरी अपने नीचे ग्राम पंचायतों से, अपने ब्लॉक से, ये सारे डेटा को कलेक्ट करके संग्रहित करके यहाँ पर उसका ये बनाया जा रहा है। उसका जब शासन आदेश आएगा, जब शासन का निर्देश आएगा, उसके अनुसार हम लोग इसको DM साहब का अप्रूवल लेंगे उस फाइल पर, और शासन के द्वारा निर्धारित किए गए डेट पर, जैसे भी उन्होंने कहा, जहाँ तक संभावना है कि यह वर्चुअल ही होगा, वर्चुअल शपथ होने की संभावना ज़्यादा है, ऑनलाइन शपथ कराया जाएगा सभी प्रधानों को और त्रिस्तरीय पंचायत सदस्य के सभी सदस्यों, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो BDC मेंबर हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य हो, सबका शपथ ग्रहण जो है जब भी शासन का आदेश आएगा उसके अनुसार उसको करा दिया जाएगा। हम लोग तैयारी इसकी कर रहे हैं।